इसमें क्या है कि इसका वर्क फंक्शन दिया गया, सपोज करो इसका वर्क फंक्शन दिया गया, फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें दो तरह की, दो क्या तीन तरह की लाइट पड़ रही है। इसका दिया गया सपोज करो 1000 एंगस्ट्रॉम, करिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी एग्जैक्टली सेम है 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें दिया गया है कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका जो ये एरिया है ये 10⁻²⁰ मीटर स्क्वायर है, इस पर तीन तरह की लाइट पड़ रही है। जो लाइट वन है इसका वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम है, इंटेंसिटी 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर है। जो टू है उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, इंटेंसिटी 10⁻³ वाट है, और जो लाइट थर्ड है उसका वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम और इंटेंसिटी 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर है। मैं पता करना सेचुरेशन करंट कितना होगा, जबकि इसमें कहा जा रहा है कि जितने फोटॉन हैं, अगर कोई फोटॉन कैपेबल है तो वो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा, मतलब एफिशिएंसी में 100% मान लिया जाएगा, इसमें एफिशिएंसी में 100% मान लिया जाएगा। जैसे कोई कह रहा है कि इसका, इस एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर 100 फोटॉन कैपेबल हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो फिर 100 निकाल दिया, तो एफिशिएंसी 100% है। अगर कोई कहे कि मान लो इसके ऊपर टोटल 1000 फोटॉन पड़ रहा है, 1000 फोटॉन पड़ रहा है, उस 1000 में से सिर्फ 500 कैपेबल है निकालने के लिए, बाकी 500 का एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो भी इसकी एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे 100 है, जो कैपेबल है वो निकाल पा रहा है पूरी तरीके से, तो एफिशिएंसी 100% है। अगर मान लो 500 कैपेबल है निकालने के लिए लेकिन 250 ही निकाल पा रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी 50% है। जैसे कि स्मरण क्या कह रहा हूँ, जैसे तीन स्टूडेंट हैं और तीनों पास हो सकते हैं लेकिन सिर्फ दो पास हो रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी 2/3 हो गई। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि 30 स्टूडेंट है और एक पास कभी नहीं हो सकता, इन दो में से दो पास हो सकते हैं लेकिन पास यही हो पा रहा है, तो एफिशिएंसी 50% वाले। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनमें से कौन सा फोटॉन कैपेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे एक एक फोटॉन की एनर्जी लिखेंगे, तो इसका क्या बनेगी 12400 / 1000 एंगस्ट्रॉम में, तो वैल्यू क्या आ गया 12.4 आ गई एनर्जी E1। वैसे ही अगर मैं E2 कैलकुलेट करूँ, E2 तो ये दो गुना है ना, तो दो से डिवाइड कर दीजिए 6.2 आ गई, और ऐसे ही अगर मैं एनर्जी तीसरे फोटॉन निकालूँ तो इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, नहीं या इसको 2 से, वैल्यू क्या आ गई 3.1। अब वर्क फंक्शन कितना 5 है, इसका मतलब कैपेबल कौन है, थर्ड वाला कैपेबल नहीं है, ये कैपेबल है, ये कैपेबल है, मतलब ये कैपेबल ही कैपेबल है। इसका मतलब इनमें जितने फोटॉन होंगे वो सारे के सारे फोटॉन हमको फोटो इमिशन देंगे और सेचुरेशन करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पता करें कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, नहीं अगर नंबर ऑफ फोटॉन निकालना है तो कौन पहला है और दूसरा कैपेबल है ना, ये तीसरे की एनर्जी है और ये दूसरे की एनर्जी थी, दूसरे की नहीं पहले की थी, और ये दूसरे की, तो ये कैपेबल नहीं है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग फोटॉन इमिट होंगे, सही है। तो इनमें कितने फोटॉन हैं ये निकालना पड़ेगा, वो इंटेंसिटी की हेल्प से आएगा, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया कर दें, बनेगा 10⁻³ इंटू एरिया 10⁻², बराबर ये इंटेंसिटी इंटू एरिया बराबर, इसके कितने फोटॉन होंगे, तो एक फोटॉन की एनर्जी मल्टीप्लाई बाई इसमें इसकी एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी वो 12.4 है ना, क्योंकि 1000 वाला तो यही है, तो 12.4 है, तो 12.4 इंटू 1.6 10⁻¹⁹, नहीं तो इससे हमको प्रोटॉनों की संख्या मिल गई, प्रोटॉन कह रहा हूँ प्रोटॉन की संख्या, ये कितनी आएगी 10⁻¹⁵ डिवाइड बाई ये कितना आएगा 12.4 इंटू 1.6 10⁻¹⁹, नहीं। और वैसे ही ये तो फोटॉन में किसमें निकाला, ये फोटॉन में निकाला, इस एनर्जी में कितने फोटॉन है, क्यों अब पता करना इसमें कितने फोटॉन होंगे, तो इसमें अगर फोटॉन निकालना है तो इंटेंसिटी 10⁻³ इंटू एरिया तो वही बनेगा, यहाँ पे NP2 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 12.4 नहीं बनेगा 6.2 बनेगा, और ये तो वही रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसका ये वाला इसका दुन्ना है, तो जब इसको आधा करोगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी ना, समझ रहे होगे,
ये लिख लो 10^-3 10^-2 बराबर एन पी टू इंटू 6.2 1.6 10^-19 नहीं तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी ये बनेगा 10^-5 डिवाइड बाई 12 का 6.2 इंटू 1.6 10^-19 इतने फोटॉन तो इस वेवलेंथ में और इतने फोटॉन इस वेवलेंथ में और दोनों कैपेबल हैं तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन को पूछे कितने हो गए जो निकल रहे हैं जो टकरा रहे हैं वो इन दोनों का सम आएगा नहीं तो दोनों को जोड़ दीजिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें कॉमन आएगा 10^-5 एंड डिवाइड बाई 12.4 1.6 10^-19 और मल्टीप्लाई बाई जब जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो ये 3 का टर्म और मल्टीप्लाई हो जाएगा समझ रहा हूँ ना कैसे कर रहा हूँ मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हम ये तो नंबर ऑफ फोटॉन जो कि कैपेबल हैं अब मुझे क्या पता करना है करेंट पता करना है तो करेंट क्या होगा जितने फोटॉन कैपेबल हैं क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं हाँ क्योंकि एफिशिएंसी 100% है तो आपके पीछे चार्ज कितना होगा करंट कितना होगा तो इसी को किससे मल्टीप्लाई करना होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से जब मल्टीप्लाई करेंगे एन पी इंटू ई करेंगे तो ई तो इसको कट कर देगा ना 1.6 कट कर देगा नहीं कट कर देगा समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ तो वैल्यू कितनी जाएगी 10^-5 इंटू 3 डिवाइड बाई 12.4 डाउट है क्या बस इतना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हूँ